एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड यू आर वॉचिंग लीगल एंड लाइट। कोई भी प्रोफेशन हो उसमें एक ड्रेस कोड हमेशा ही एक अहम रोल प्ले करता है। फिर वो डॉक्टर का व्हाइट कोट हो, पुलिस की खाकी वर्दी या एडवोकेट्स का ब्लैक कोट, एक ड्रेस कोड रिफ्लेक्ट करता है प्रोफेशनलिज्म, इथिक्स, मैनर्स, एटिकेट्स, यूनिफॉर्मिटी एंड डिसिप्लिन। आज हम एडवोकेट्स के ड्रेस कोड के बारे में बात करेंगे। एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 49 से बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अथॉरिटी मिलती है कि वो अपने फंक्शनिंग के लिए कुछ रूल्स बनाए। इसी बेसिस पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 1975 के रूल्स बनाए। इस रूल्स के पार्ट 6 चैप्टर 4 में आती है प्रोविजन एडवोकेट्स के ड्रेस कोड के बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन एडवोकेट्स के ड्रेस कोड में आता है ब्लैक गाउन और ब्लैक कोट एंड उसके साथ एक व्हाइट नेक बैंड। ये प्रोविजन तो इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग ही है, पर इसका मेन सोर्स आता है कुछ ब्रिटिश कस्टम के साथ। अगर हम ब्लैक गाउन्स की बात करें तो 1685 में किंग चार्ल्स सेकेंड के डेथ के बाद लोगों ने उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए वो जिस प्रकार के गाउन्स पहनते थे उन्हें पहनना स्टार्ट किया और ग्रेजुअली वो वहाँ के एडवोकेट्स के ड्रेस कोड बने। वही कस्टम आज भी इंडिया में फॉलो की जा रही है। अब बारी आती है व्हाइट नेक बैंड्स की। ऐसे कहा जाता है कि व्हाइट नेक बैंड्स आर बेस्ड ऑन अ क्रिश्चियन बिलीफ जिसे टैबलेट्स ऑफ स्टोन या फिर टैबलेट ऑफ लॉज कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस बिलीफ एक प्रीस्ट को खुद भगवान ने 10 कमांडमेंट्स और 10 रूल्स डिक्टेट किए और वही दो स्टोन्स पे रिफ्लेक्ट किए गए। इन्हीं स्टोन को टैबलेट ऑफ स्टोन्स या फिर टैबलेट ऑफ लॉज कहा जाता है। अगर हम कलर स्पेसिफिक बात करें तो ब्लैक कलर रिफ्लेक्ट करता है पावर, अथॉरिटी, सबमिशन टू जस्टिस एंड प्रोफेशनलिज्म। वहीं पे व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट करता है प्यूरिटी, गुडनेस एंड लाइट ऑफ होप। इंडिया ने वक्त रहते अपने रूल्स में कुछ चेंजेस लाए हैं, जैसे कि जो ब्लैक कोट है वो समर के सीजन में पहनना कंपलसरी नहीं है, पर ओनली एट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, नॉट एट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। एंड सेकेंडली, जो ब्लैक गाउन्स होते हैं वो पहनना सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेवल पे कंपलसरी है, नॉट एट सबऑर्डिनेट लेवल। इंडिया में एडवोकेट्स का जो करंट ड्रेस कोड है उसके अगेंस्ट वेरियस स्टेट हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में पेटिशंस पेंडिंग है। फॉर एग्जांपल, अलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने है अशोक पांडे वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया की पेटिशन, जिसमें कुछ ग्राउंड ऐसे है। फॉर एग्जांपल, ये जो ड्रेस कोड है एडवोकेट्स का, जो ड्रेस कोड है वो इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन को मैच नहीं करता। सेकेंडली, एडवोकेट्स जो व्हाइट बैंड्स पहनते हैं वो एक रिलीजियस बिलीफ से आता है विच इज़ अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ऐसे बहुत सारे ग्राउंड्स जिसके बेसिस पे ये जो ड्रेस कोड है वो चैलेंज किया गया है और डिमांड की गई है कि इसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आप खुद लीगल प्रोफेशन से आते हो या फिर आपके फैमिली या फ्रेंड जोन में कोई लीगल प्रोफेशन से आता है तो उन्हें अपना एक्सपीरियंस अबाउट द ड्रेस कोड कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए कहिए। बाय बाय।